आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जितना भी आपने DRC 03 से पैसा जमा कराया है गवर्नमेंट को, अब वो गवर्नमेंट आपको वापस करेगी और 6% का इंटरेस्ट भी देगी। अरे सर ये क्या कह रहे हो, ये तो मज़े आ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, अगर आपको यकीन ना आए तो हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ लो। ये हाई कोर्ट की जजमेंट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। क्या कहती है जजमेंट भाई, ये केस है सम्यक मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड का। अब इस केस में समझना हुआ क्या था, इस केस में हुआ क्या था कि असेसी के घर पर GST ऑफिसर वाले आ गए, उसके घर पर उसके ऑफिस पर, ठीक है, और GST ऑफिसर वाले आ गए, ठीक है ना। उसके बाद वो कहने लगे कि भाई जो आपने परचेज करी है ये बोकस है और इस पर आप GST जमा कराओ। ऐसा जर्नली होता है, जब आप किसी संबंध में भी जाते हो तो GST ऑफिसर ये कहते हैं कि भाई ये परचेज बोकस है, आप इस पर GST जमा कराओ। अब भाई वो व्यक्ति कह रहा भाई साहब नहीं मेरा सब कुछ जेन्युइन है, लेकिन वो कह रहा नहीं जमा करा दो। तो असेसी ने क्या करा भाई, पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक है, वो ज़बरदस्ती करते हैं, तो उसने क्या करा DRC 03 से 35 लाख रुपए जमा करा दिए। 35 लाख रुपए जमा करा दिए 26 फरवरी 2021 को, 35 लाख रुपए DRC 03 से जमा करा दिए कि लो भाई तुम खुश हो जाओ, मैं DRC 03 से जमा करा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्हें 35 लाख रुपए आ गए गवर्नमेंट के खाते में और वो चले गए, और उसके बाद उन्होंने उस केस में कुछ भी नहीं करा। मतलब कि DRC 03 इशू तो करा था, ठीक है, DRC 03 तो वॉलेंट्री पेमेंट होती है, उसे तो असेसी ने पे कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे डिपार्टमेंट थे उन्होंने कुछ नहीं करा। जबकि जो हमारा रूल है, ठीक है ना, जो हमारा रूल है 142 सब रूल 2, ये क्या कहता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने DRC 03 से पैसे जमा कराए हैं तो आपको DRC 04 इशू करना पड़ेगा। DRC 04 का मतलब क्या है कि एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है कि भाई जो तुमने DRC 03 में पैसा जमा कराया है वो बिल्कुल सही कराया है, अब हमारा कोई पैसा लेना देना नहीं निकलता। तो GST ऑफिसर ने अभी तक DRC 03 के बदले में ना तो DRC 04 इशू करा, ना ही कोई प्रोसीडिंग शुरू करी सेक्शन 74 की। और भाई जब आपने कोई प्रोसीडिंग नहीं करी, कोई एडजुडिकेशन नहीं करा, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की कोई लायबिलिटी थी नहीं। तो उस व्यक्ति ने तो अपनी इच्छा से DRC 03 से वॉलेंट्री पेमेंट करा दी। तो अब हाईकोर्ट ने क्या बोला है, अब हाईकोर्ट ने क्या बोला भाई, इस व्यक्ति के ना पैसे वापस कर दो, और पैसे वापस करते करते 6% का इंटरेस्ट भी आप उसे दे दो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि क्या ये हाई कोर्ट ने सही बोला है या गलत बोला है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, आप अपना व्यू बताना। जरा एक बार इसे पढ़ लेते हैं कि डिसीजन क्या आया। डिसीजन है एज पर रूल 142 सब रूल 2 ऑफ द CGST रूल, व्हेन ए पेमेंट इज मेड इन फॉर्म GST DRC 03 द प्रॉपर ऑफिसर हैज टू एक्नॉलेजमेंट, कि भाई जब आपने DRC 03 से किसी से पेमेंट ली है तो प्रॉपर ऑफिसर को एक एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टिंग द पेमेंट मेड बाय द सैड पर्सन इन फॉर्म DRC 04, कि ऑफिसर को एक एक्नॉलेजमेंट देनी होती है DRC 04 में। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपने DRC 03 से कभी ना कभी अपने क्लाइंट के पैसे जमा कराए होंगे। कितने केसेस में DRC 04 आपको इशू हुआ है। इन द प्रेजेंट केस द सैड पेमेंट वाज मेड बैक ऑन 26 फरवरी 2021, 2 साल से ज़्यादा हो गए थे पेमेंट जमा करी थी, टिल डेट नाइदर दे हैव इशूड DRC 04, ना तो उन्होंने DRC 04 इशू करा नोर इशू एनी नोटिस, और उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, बस पैसे लिए खाता पूरा करा चल दो। तो रेस्पोंडेंट हैव टू फॉलो द CBIC इंस्ट्रक्शन, उन्होंने इसका मतलब वो इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं करे जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पर आप पहली बात तो कोई वॉलेंट्री पेमेंट लेना मत, और अगर ले रहे हो वॉलेंट्री पेमेंट तो उसकी लायबिलिटी आप डिटरमाइन कर देना। तो ये ड्यूटी किसकी थी, ड्यूटी थी ऑफिसर की, ठीक है ना, कि भाई जो आपने वॉलेंट्री पेमेंट हमें दी है तो इसके बाद, ठीक है, हम आपको DRC 04 इशू करें। जबकि ऐसा नहीं करा था तो यहाँ पर क्या डायरेक्शन दी गई है कि भाई 2 हफ्तों के अंदर उस व्यक्ति के पैसे भी वापस करो और 6% का इंटरेस्ट भी आप उसे दो। तो आप एक बार चेक कर लेना भाई कि आपने DRC 03 में पेमेंट करी है तो आपको भी DRC 04 अगर इशू नहीं हुआ है तो आपको भी यहाँ पर रिफंड आ सकता है। समझ में आई मेरी बात,
कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेल में समझनी है तो हमने नेक्स्ट वीक क्या करा है, क्योंकि इस बार ना नोटिसेस बहुत आ रहे हैं, तो हमने जो अपना संडे का टॉपिक रखा है शाम को 3 से 7 का, हमने सारी असेसमेंट सारे नोटिस के बारे में ये टॉपिक रखा है, ठीक है ना। इसके अंदर रूल 142 भी कराएंगे जो कि इस नोटिस के अंदर कवर अप है, तो समझ आए वाला। ये जजमेंट को एक बार आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, ये आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप से दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सर्च कंडक्ट हुई थी इनकी प्रीमिसेस में, ठीक है ना, और वहाँ पर 7 मार्च 2020 को था, और उन्होंने बोला था कि भाई आप इतने रुपये जमा करा दो, जो 15 जनवरी 2021 को ये जो सर्च थी वो कंडक्ट हुई थी, समझ आया। लेकिन दो साल होने के बाद भी इन्होंने ना तो कोई, ठीक है, सेक्शन 74 में नोटिस दिया, ना ही कोई एडजुडिकेशन करी, तो इस बेस पर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ये पैसे तो इन्होंने, ठीक है, वॉलेंट्री जमा कराए थे, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन था उसमें क्लियर लिखा था कोई भी रिकवरी नहीं होनी चाहिए सर्च इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के केस में। क्लियर हो गई ये वाली बात, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ हो रखा है तो आप इस वाली जजमेंट का बेनिफिट ले सकते हो और पूरे केस को यहाँ पर एक बार स्टडी कर सकते हो। क्लियर हो गई, हाँ जी, चलो तो क्लियर हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप हमारा GST का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा संडे टू संडे चलता है, या आप एक क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारा ऐप डाउनलोड करके ये सारी अपडेट्स ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।